हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाल तोड़ या फिर फोड़ा फुंसी के बारे में। दोस्तों, ये जो बाल तोड़ है इसको फोलिकुलाइटिस भी कहा जाता है या फिर बॉयल्स भी कहा जाता है। ये क्यों होता है, सबसे पहले जान लेते हैं कि होता क्यों है। तो ये बेसिकली एक बैक्टीरिया होता है स्टाफाइलोकोकस, उसकी वजह से होता है। ये जो बैक्टीरिया है ये किसी इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाता है, क्योंकि अगर आप उसका कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल जो तौलिया होता है या कपड़े होते हैं, रुमाल होते हैं, उसकी वजह से हो सकता है। दूसरा, ये आपकी स्किन पर भी पाया जाता है। तो क्या होता है कि अगर आपकी स्किन पर कहीं कट लग जाता है, आपको कहीं फ्रिक्शन हो जाता है, एब्रेशन हो जाता है, या रगड़ लग जाती है आपको कहीं पे, या फिर आपका बाल खींच जाता है या उखड़ जाता है, तो उससे क्या होगा कि ये बैक्टीरिया जो आपकी स्किन पर पाया जाता है ये वहाँ से आपके स्किन के अंदर एंटर कर जाता है, स्किन के अंदर चला जाता है। उसके बाद ये जो बालों की जड़ें होती हैं वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर देता है, और जो सीबेसियस ग्लैंड होती है जो ऑयल प्रोड्यूस करती है वहाँ पे इन्फेक्शन कर देता है। उसके बाद क्या होगा, जब ये शुरू होगा तो इसमें शुरू में लाल चकत्ते पड़ते हैं, सबसे पहले रेडनेस आ जाती है स्किन पर। उसके बाद वहाँ पे दानेदार जैसे मुहासा होता है उस तरीके से स्टार्ट होता है। उसके बाद ये जो दाने होता है वो धीरे धीरे 5 से 7 दिन जाते जाते ये हल्का सफ़ेद होने लगता है, या उसके बाद हल्का सफ़ेद होने के बाद ये हल्का पीला होने लगता है। ये इस चीज़ का संकेत होता है कि जो आपका दाना है जो अभी फुंसी या फोड़े में तब्दील हो रहा है धीरे धीरे, और वो पक रहा है। तो जब ये पूरा मुंह बना लेता है, कहीं पे सफ़ेद दिखने लगता है, इसका मतलब होता है कि ये पक गया है। तो ये वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा गर्म भी रहता है। ये कई बार क्या होता है कि सिर्फ छोटी सी फुंसी बनकर रह जाता है, और कई बार क्या होता है कि ये बहुत बड़ा ये फोड़ा बन जाता है या फिर पाका बन जाता है। बात करें ट्रीटमेंट की, तो दोस्तों जब ये शुरू में इस तरीके से होता है तो ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। 10 से 12 दिन जाते जाते ये फूट कर बहकर इसके अंदर जो इसके अंदर पस भर जाता है जिसकी वजह से ये सफ़ेद होता है वो बाहर निकल जाता है फूटने के बाद, और ये सूखने लगता है। अगर ये तो इसका नॉर्मल प्रोसेस हो गया, अगर आपका इम्यून सिस्टम प्रॉपर काम कर रहा है तो ये अपने आप ही ठीक हो जाएगा। अगर ये इस तरीके से ठीक नहीं होता या फिर मुँह नहीं बनाता है, उस केस में आपको डॉक्टर से मिलना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है। तो अगर ये मुंह नहीं बनाता है या फिर पकता नहीं है तो इस केस में आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले बहुत सारे गांव में लोग बताते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी होता है, जैसे कि नीम की जो पत्ती होती है उसको हल्का गर्म करके अगर आप इसके ऊपर बांध लेंगे रखकर, तो जो ये फोड़ा है ये अगर शाम को बांधेंगे तो सुबह तक बेसिकली ये सफ़ेद कलर का दिखने लगता है इसके ऊपर, उसके बाद ये हल्का पक जाता है, जिससे कि इसको आप दबा दबा के बाहर निकाल देंगे तो इसके अंदर जो पस होता है अंदर का वो बाहर निकल जाएगा। और एक चीज़ और इम्पोर्टेंट होती है, इसके अंदर एक होता है कोर, जिसको कि कील कहते हैं गांव की भाषा में, उसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे तो होता क्या है कि वो जो आपका फोड़ा है वो बार बार रिकवर हो जाएगा। तो दोस्तों उसको भी बाहर निकालना आवश्यक होता है। अगर ये सब भी आप नहीं करते हैं तो आप मार्केट से एक मरहम आता है जो कि एक्सफोलिएटिव के तरीके से काम करता है, मतलब पाका को या फोड़ा फुंसी को बहाने का काम करता है, पकाने का काम करता है, उसका नाम है सुमैक क्रीम। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको लगाना ऐसे है, आप रात के टाइम हल्का सा क्रीम उस पर लगा दीजिए, उसके बाद आप रात भर उसको रहने दीजिए, उसके बाद ये सुबह तक पक जाता है, उसके बाद आप इसको निकलवा सकते हैं, इसके अंदर जो पस है पूरा साफ कर सकते हैं, उसको ड्रेसिंग कर सकते हैं। तो ये नॉर्मल प्रोसेस है। अगर ये कई बार होता है कि मुंह ही नहीं बनाता है, सिर्फ पक जाता है और नीचे नीचे फैलने लगता है, तो इस केस में क्या करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर एक हल्का सा इंसिजन लगाएंगे, मतलब कट लगाएंगे, कट लगाने के बाद उसका वही सेम प्रोसेस, सारा अंदर का जो सड़ी गली जो मांस होती है उसको बाहर निकाल देंगे, जो पस होता है उसको बाहर निकाल देंगे। अच्छे तरीके से साफ करने के बाद वो स्पिरिट से या फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड से उसको धुलते हैं डालकर अंदर, और उसके बाद उसके बीटाडीन जो लोशन होता है उसको डालते हैं उसके अंदर और उसको धुलते हैं। उसके बाद बीटाडीन का पूरा लेप लगा के साफ सफाई के साथ उसको, फिर पोविडोन आयोडीन का ऑइंटमेंट आता है, बीटाडीन नाम से ही आता है या फिर पोविडोन आयोडीन नाम से ऑइंटमेंट आता है, उसको लगा करके ड्रेसिंग करते हैं। ये एक प्रोसेस हो गया। अगर पोविडोन आयोडीन नहीं लगाना चाहते हैं, उससे कोई दिक्कत है, तो कोई भी एंटीबैक्टीरियल क्रीम आप उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं और उसकी प्रॉपर ड्रेसिंग कर देंगे और वो ठीक हो जाएगा।
तो कई बार क्या होता है कि अगर आपका इम्यून सिस्टम मजबूत नहीं है या फिर आपको डायबिटीज़ है या कोई और ख़तरनाक बीमारी है जैसे कि HIV है, तो इस वजह से क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है और इन्फेक्शन तेज़ी से ग्रोथ करने लगता है, जल्दी आपका जो ये फोड़ा या फुंसी या बाल तोड़ है ये जल्दी ठीक नहीं होता है। तो इस वजह से आपको कुछ एंटीबैक्टीरियल टेबलेट लेना पड़ेगा जिसको कि एंटीबायोटिक कहते हैं। तो एंटीबायोटिक की बात करें तो आपको एमोक्सिसिलीन प्लस क्लोलिनिक एसिड का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा वर्क करता है, उसको आप ले सकते हैं, या फिर आप एमोक्सिसिलीन 500 mg प्लेन ले सकते हैं, सुबह शाम लेना होता है। तो दोस्तों साथ में जो दर्द के जो टेबलेट हो, दर्द अगर आपको ज़्यादा है तो दर्द की टेबलेट आप ले सकते हैं, जैसे कि आप जैसिक प्लस ले सकते हैं, आप ब्रुपाल फोर्ट ले सकते हैं, या फिर उसकी जगह आप नेक प्लस ले सकते हैं। ये सारी दवाएं जो भी दर्द के लिए आती है उसको ले सकते हैं। और अगर इसके साथ में रेडनेस ज़्यादा है, इचिंग ज़्यादा हो रही है, तो उस सिम्पटोमेटिक रिलीफ के लिए आप स्टेरॉइड भी ले सकते हैं। तो दोस्तों ये जो मैं आपको दवाएं बताया हूँ ये आप खुद से लेकर ना खाएं, क्योंकि जो एंटीबायोटिक होती हैं इसके कुछ साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं, जो कि अगर आप खुद से लेकर खाएंगे तो वो गंभीर साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। इस वजह से किसी भी दवा का जो मैं वीडियो में बताया हूँ उसका इस्तेमाल करने से पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें, खुद से ट्रीटमेंट करने की कोशिश ना करें। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसा ही वीडियो हम डेली आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।